तो मोस्ट डिमांडिंग फीचर जो था किया सेल्टोस का वो अब इसमें आ चुका है, पैनोरामिक सनरूफ। अब लोग क्रेटा की तरफ नहीं जाएंगे, मुझे लगता है ज़्यादा लोग यहाँ पे आने वाले हैं सेल्टोस के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस के बारे में, और ये मुझे लग रहा है इसका काफ़ी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बता दूंगा जो कि मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसके जो डिज़ाइन लैंग्वेज है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट एलिमेंट्स में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, और देन इंटीरियर्स में भी आपको काफ़ी चीज़ें चेंज मिल जाएंगी, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले आपको वेरिएंट बता देता हूँ, ये है किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट HTX, और ये हमारे साथ है पेट्रोल वेरिएंट इसका, इसमें डीजल का ऑप्शन भी आपको आ जाता है। तो आज हम पेट्रोल वेरिएंट की बात करेंगे और HTX जो है इसमें स्पेशली कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट है, इसमें आपको 6 एयरबैग्स आ जाते हैं जो कि बेस वेरिएंट से ही आ जाएंगे। ऑल फोर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक आ जाती है, तो ये कुछ इसके स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। उसके अलावा जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो आपको मिल जाती है, इवन अगले के साथ साथ पीछे जो 3 पैसेंजर है उनकी सीट बेल्ट की वार्निंग भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसमें चाबियों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाकी डिज़ाइन के अलावा यहाँ पे चाबियों का डिज़ाइन भी चेंज हो चुका है। ये थोड़ी और ज़्यादा प्रीमियम लगती है किया की ब्रांडिंग, और ये साइड पे अब इसमें लॉक अनलॉक होल्ड करके रखोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, और इसको प्रेस करोगे तो जो बूट है आपका वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ आपको इसमें कीज़ मिलेगी दो, और ये काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में। देन हम इसके फ्रंट लुक्स पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेजर चेंजेस मिलेगी। एक बारी के लिए मैं आपको साइड बाय साइड थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये नया वाला है हमारा और ये हमारा पुराना वाला है, तो दोनों में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। उसमें फ्रंट में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे DRLs पे आ जाते हैं, तो DRLs का डिज़ाइन अब चेंज है। यहाँ से आपको ये स्टार्ट होता है और यहाँ तक बीच में फिर ये टाइगर नोज ग्रिल आ जाती है इसकी, तो ये देखने में मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। किया की ब्रांडिंग यहाँ पर भी आपको ये क्राउन शेप का ये जो क्रोम वर्क है इसमें दिया गया है, इसकी पूरी टाइगर नोज ग्रिल पे दो शेप में यहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है लाइट्स। तो ये आपका टर्न इंडिकेटर आ जाता है जो कि सीक्वेंशियल आपको दिया गया है, काफ़ी बढ़िया है ये। ऊपर की साइड पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं, और नीचे आपको आ जाता है आइस क्यूब DRLs, और ये अभी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड है, पहले 3 में थे तो अब 4 में, तो थोड़ा और ज़्यादा एक बढ़िया लुक प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। बाकी आपको नीचे स्किड प्लेट आ जाती है सिल्वर कलर की, और ये जो ग्रिल है इसमें आपको पियानो के टचेस मिलेंगे। ऊपर वाला ये पैनल थोड़ा कवर्ड है और ये आपको अनकवर्ड मिल जाएगा वेंटिलेशन वगैरह के लिए, और नीचे वाला भी ऐसा ही कुछ है। इसकी डायमेंशंस की अगर हम बात कर लें तो साइड में आपको ऑल इन ऑल ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं मिलेगा, सो डायमेंशन वाइज सेम है। साइड लुक्स भी आपको प्रॉपर सिमिलर मिलेगी जो पहले आती थी, बट जो इसके व्हील है और व्हील का डिज़ाइन अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग दिया गया है। ये जैसे आपको अलॉय में आ जाता है HTX से, ये तो इसका टायर सेक्शन है 215/60 R17। ऑल फोर व्हील्स में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक आ जाती है जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्लस पॉइंट है। देन आपको यहाँ पे मैकफर्सन सस्पेंशन मिल जाएगी, और पीछे आपको कपल टॉर्जन बीम सस्पेंशन आ जाती है। गाड़ी की विड्थ आपको 1800 mm की आ जाती है, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 190 mm का आ जाएगा, और व्हील बेस आपको यहाँ पे दिया गया है 2.6 meters का। एंड देन साइड में आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ये मोल्डिंग टाइप की मिल जाएगी इसके यहाँ दोनों डोर्स पे, और यहाँ पे आपको साइड में आर्चेस पे दोनों व्हील्स पे क्लैडिंग आ जाएगी। यहाँ पे ड्राइवर साइड जो है वो आपको रिक्वेस्ट सेंसर और की इंसर्ट मिल जाएगा डोर हैंडल पे, और चारों ही डोर हैंडल्स आपको क्रोम में दिए गए हैं। एंड बाकी आपको यहाँ पे भी ये क्रोम लाइन मिल जाती है इसकी फुल विंडो लाइन पे। रूफ रेल्स आ जाती हैं, पीछे शार्क फिन एंटीना आ जाता है। ऊपर की साइड ऑब्वियसली आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, अंदर से कैसा चलता है, कैसा दिखता है और फील होता है वो भी मैं अंदर चल के बताऊंगा। बाकी रियर में भी काफ़ी अच्छी चेंजेस हुई है, यहाँ पे जो लाइट है कनेक्टिंग लाइट्स आपको मिल जाती है, काफ़ी बेस्ट लग रही है। यहाँ पे भी अब साइड बाय साइड लुक देख लो, ये पुराना वाला आ गया और ये नया वाला आ गया। तो किया की ब्रांडिंग आपको यहीं पे मिल जाएगी। पीछे आपको रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे आ गया। सो किया कनेक्टेड के इसमें सारे फीचर्स दिए गए हैं। सेल्टोस की ब्रांडिंग है, पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एंड देन यहाँ पे आपको इसका रिफ्लेक्टर और रिवर्स लाइट मिल जाएगी। हायर वेरिएंट्स में जो इसका डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग है, बाकी इसमें भी कोई बेकार नहीं, इसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको आ गया इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा। इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं
तो ये कुछ ओवरऑल इसमें स्पेस है विच इज़ सिमिलर टू बिफोर, 433 लीटर्स का आपको इसमें बूट दिया गया है। पार्सल ट्रे आ जाती है, थोड़ा बहुत सामान मेरा यहाँ पे है। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका स्पेयर व्हील, गुडियर का व्हील है। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ी स्टोरेज स्पेस और इसमें यहाँ पे आपको बूट लाइट भी ऑफर की जाती है। एंड बेस्ट थिंग इज़ इसमें आपको 60-40 की स्प्लिट सीट आ जाती है। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप ये थोड़ा सा गैप देख रहे हो, तो इस गैप का एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी ना एडजस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है रिक्लाइन एंगल। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे पीछे कर लूँ तो ये से देख सकते हो इतना पीछे हो जाता है। तो ये अब डिफरेंस इसमें आ गया जो अंदर चल के मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। बाकी ओआरवी हम इसके ये आ गए, बॉडी कलर है थोड़ा ड्यूअल टोन का फील देता है क्योंकि नीचे आपको ये ब्लैक कलर का एलिमेंट दिया गया है। अंदर जाने से पहले इसका प्राइस मैं एक बार बता देता हूँ, तो 15,20,000 इसका एक शोरूम प्राइस है। और बाकी जो वेरियंट्स है पेट्रोल डीजल की मैं एक बार लिस्ट यहाँ पे लगा दूंगा, तो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे सारे के सारे। और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है अभी के लिए, बाद में मे भी हो सकता है थोड़ी सी प्राइस बढ़ जाए। तो अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं डोर ओपन करता हूँ, तो इसमें कुछ ये आपको बेज कलर की अपहॉल्स्ट्री मिलेगी। डोर ओपनिंग ठीक ठाक आपको मिल जाती है वाइट। सो यहाँ पे भी ड्यूअल टोन में इसका ये टचअप दिया है, पूरा का पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे है। बॉटल होल्डर, 6 स्पीकर्स आ जाते हैं, 2 ट्विटर्स हैं। यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन, लॉक अनलॉक, ORVM कंट्रोल्स, चाइल्ड सेफ्टी का ऑप्शन दिया गया है। ये पहले की तरह ही है, बट हाँ ये आपको थोड़ी ग्लॉसी फिनिश में मिल जाता है सिल्वर में। बाकी ये आपको फुल पियानो ब्लैक का टच दिया गया है। ड्राइवर साइड आपको 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ सीट्स आ जाती है, ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट आ गई। और को पैसेंजर साइड 6-way आ जाती है। सो ये हमारा प्रॉपर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ जाता है जो कि पेट्रोल में है। तो इसमें डेड पेडल और ABC तीनों पेडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आप बोनट हुड रिलीज कर सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे आ गया। आइडियल स्टार्ट स्टॉप स्टैंडर्ड है, ये आपको बेस वेरिएंट से ही टॉप वेरिएंट तक मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे आ गया, हेडलाइट लेवलर और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। गाड़ी के इंटीरियर्स में हम आ चुके हैं, सो फ्रंट डैश का पूरा ऐसा कुछ लुक आपको मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ चेंज आपको इसमें मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया फीचर आपको इस वेरिएंट से मिलने लग जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये कनेक्टिंग डिस्प्ले आपको काफ़ी बढ़िया लग रही है। 10.25 इंचेस की डिस्प्ले है, टच स्क्रीन है, इंटरफेस भी अब इसको आपको इसका नया वाला जैसा आता है वैसा कुछ मिलेगा। सो ये स्टेयरिंग व्हील आपका आ जाता है फ्लैट बॉटम के साथ। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश, सेल्टॉस यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। किया की ब्रांडिंग है नई वाली, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। 6 एयरबैग्स है जो कि स्टैंडर्ड है इसमें। बाकी यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। सो राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाते हैं लाइट के कंट्रोल्स इंक्लूडिंग टर्न इंडिकेटर, और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर के। स्टेयरिंग व्हील इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के ऑप्शन के साथ आ जाता है। देन अगर मैं इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स के लिए आ जाऊं, तो इसमें ABS/CVT ब्रेक असिस्ट मिलता है, ये स्टैंडर्ड है। देन आपको हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक फोर्स असिस्ट सिस्टम मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलता है। देन आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है फ्रंट 2 पैसेंजर के साथ, और मैंने पहले भी कहा था फ्रंट 2 के अलावा जो पीछे के 2-3 पैसेंजर हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पे वो चीज़ दी गई है। तो ये काफ़ी प्रीमियम चीज़ें लगती है, सेफ्टी वाइज भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको इसमें मिल रहे हैं। देन आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, तो ये आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें दिया गया है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। नीचे आपको फिजिकल बटन्स दिए गए हैं, ये मैप, नेविगेशन, सो इनबिल्ट नेविगेशन आपको इसमें मिल जाएगी। पहले 2-3 साल के लिए आपको इसमें फ्री सब्सक्रिप्शन है, देन उसके बाद आपको मिनिमल रिचार्ज करना पड़ेगा, तो नेविगेशन आपके ऑन द गो आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ इसका इंटरफेस है, जो 12.25 इंचेस की डिस्प्ले है ये काफ़ी स्मूथ लग रही है मेरे को। यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाते हैं, तो व्हीकल वगैरह और सेम सेटिंग आपने देखा होगा कि आपको मिल जाती है ह्यूंडई की कार्स में भी। तो यहाँ पे क्लस्टर, क्लाइमेट, लाइट्स वगैरह के कंट्रोल, कन्वीनियंस में आप चले जाओगे तो ये कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है, वरना कन्वीनियंस में वो एक ऑप्शन भी आता है। यहाँ पे आपको इसमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, वायरलेस नहीं है। एंड देन आपको यहाँ पे किया कनेक्ट के फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप फ़ोन की ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की साइड आपको हैजर्ड स्विच दिया जाता है। AC की जो ये हॉरिजॉन्टल आपको मिल जाएंगे, लेकिन कूलिंग अच्छी है, ये अलग से डिस्प्ले आ जाती है AC के लिए। देन नीचे की साइड आपको यहाँ थोड़ी स्पेस मिल जाती है फ़ोन वगैरह रखने के लिए, नियर अबाउट 2 फोन्स तो आप आराम से यहाँ रख लोगे। देन यहाँ पे आपको USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आ जाता है, थोड़ी स्पेस यहाँ भी आ जाती है। सो ये प्रॉपर आपको मैनुअल में मिलता है। नीचे आपको क्लच दिख रहा है, सो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स, सो रिवर्स के लिए ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। और फ्रंट पार्किंग सेंसर ना बड़े यूजेबल है, देखो यहाँ पे भी मैं ये ऑन कर देता हूँ, तो अंकल ये भैया सामने आ रहे हैं और ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई आगे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई पर्सन है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। देखो
फिर से, तो ये आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। देन यहाँ पे आ जाते हैं तो रिवर्स, एक बार इसको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। ऐसे रिवर्स पे ले लोगे तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, पीछे जो भी आ रहा है पूरा वाइड में ये व्यू कवर करेगा। एक बार मैं ये बीप बंद कर देता हूँ इसमें, क्योंकि बार बार शोर करते रहेगा। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी, तो जैसे ही आपका स्टेयरिंग व्हील यहाँ पे घूमता है तो इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। बाकी आप इंजन की रिफाइनमेंट अभी देख लो, गाड़ी स्टार्ट है करंटली और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वाइट कैबिन इसका मेरे को मिल रहा है, और ये मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी, क्योंकि इंसुलेशन वर्क भी बाहर हमने देखा था काफ़ी अच्छा था। अब चलाते टाइम नॉइस क्या आती है वो डेफिनेटली जब भी इसका ड्राइविंग रिव्यू मैं करूँगा तो वो चीज़ देखने वाले हैं। तो फ्रंट में यही कुछ था, इसमें यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। प्लास्टिक क्वालिटी ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि बेकार है। और पता नहीं लोग क्यों कंपेयर करते हैं इसको कि बीच में टूट जाती है, बीच में से तो देखो एक वीडियो आई थी अल्ट्रॉज भी टूट गई थी, तो वो अलग चीज़ है एक। बट बाकी फिट एंड फिनिश वाइज किया की गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। प्लास्टिक क्वालिटी जो टच टू फील है इनका वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये इसका आ गया ग्लव बॉक्स। कूल्ड का ऑप्शन इसमें नहीं है, हाँ अपर वेरिएंट में जाओगे तो आपको कूल्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स। बाकी स्पेस अच्छी खासी आपको मिल रही है। सीट्स की जो कम्फर्ट है वो बढ़िया है, साइड ग्रिप्स आ जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाता है, जो सीट बेल्ट है ये भी आपको यहाँ से हाइट एडजस्टेबल आ जाती है, सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ ग्रैब हैंडल आ जाते हैं। और हाँ, पैनारोमिक सनरूफ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो HTX से आपको वो चीज़ मिलने लग जाएगी, चाहे पेट्रोल देख लो डीजल देख लो। तो ये चीज़ है जो लोग मिस कर रहे थे, पहले क्रेटा में आती थी बट यहाँ पे वो छोटा सा आता था सनरूफ, लेकिन अब यहाँ पे फुल पैनारोमिक सनरूफ दे दिया है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स आ गए, ये लाइट के कंट्रोल्स आ जाते हैं, सो वाइट में आपको लाइट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये आ जाता है इसका सन ब्लाइंड विद टिकट होल्डर, और दूसरी साइड अगर आप देख लो तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी दिया गया है। सो इसमें आपको ऑटो डिमिंग के साथ IRVM आ जाएगा, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। SOS रोड साइड असिस्टेंस किया कनेक्ट के फीचर्स आपको इसमें दिए गए हैं। बाकी एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे इसमें एयर प्योरीफायर दिया, अभी मैं पूरा पीछे होके बैठा था और मेरी आर्म जो थी ना वो यहाँ पे टच हो गई थी, तो आर्म के टच होने से ही कभी कभी ये ना ऑन हो जाता है, क्योंकि ये इसमें एयर प्योरीफायर दिया है और उसमें टच कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ इतनी वैसे इतनी पीछे सीट कोई करता नहीं है। तो बाकी यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स आ गए, हैंड ब्रेक आ गई, और ये आ जाता है इसका स्पेस, स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट के लिए, और ये स्लाइडेबल नहीं है तो ये फिक्स्ड आ जाता है आपका। पीछे सीट का एक्सपीरियंस करते हैं, तो डोर ओपनिंग सबसे पहले आपको ये कुछ मिल जाती है, ये भी ड्यूल टोन में आ जाएगा। प्रॉपर बॉटल होल्डर, पावर विंडो का बटन, और यहाँ पे बेस्ट चीज़ है आपको ये ब्लाइंड जो है कर्टन्स जो है ये मिलने लग जाते हैं। बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको ये कर्टन्स भी मिल जाते हैं, और ये इसके लोअर जो वेरिएंट आता है उसमें भी ये चीज़ दी गई है, ये भी काफ़ी बेस्ट चीज़ है। मैनुअल कंट्रोल के साथ आ जाते हैं और ये प्राइवेसी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो सीट्स इसमें आपको 60-40 के स्प्लिट के साथ आ जाएगी। ये वाला व्यू मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, इंक्लूडिंग जो स्पेशली जो पैनारोमिक सनरूफ दिया है। पीछे आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट आ जाता है, आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स आ जाते हैं, और जो ये रिक्लाइन एंगल है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ये सबसे आगे वाला है, देन ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड वाला काफ़ी पीछे होके रिक्लाइन हो जाता है, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो अंदर अभी मैं बैठ गया हूँ, यहाँ पे जो अगली सीट्स है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की थी। मेरी हाइट है 5'7" और यहाँ पे आप देख रहे हो लेग रूम नी रूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 6 फीट के लिए का जो बंदा होगा उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। तो दो अडल्ट्स और एक बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल होके बैठ सकता है। देन आपको पीछे ये मिल जाता है, इसमें स्मार्ट एयर प्योरीफायर टच कंट्रोल्स के साथ आ जाता है, तो ये एक अलग से डिस्प्ले दी गई है। यहाँ भी आपको एम्बियन लाइट्स वगैरह मिल जाएंगी, तो इसमें आप जो मोड है ये चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले कितनी डिम रखनी है ब्राइट रखनी है वो कर सकते हो और ऑफ़ कर सकते हो इसको। पीछे आपको ये वेंट्स दिए गए हैं, दो टाइप सी के पोर्ट्स आ जाते हैं जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, फ़ोन रखने की स्पेस, और जो नीचे का जो पैनल है ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत बड़ा हम्प नहीं है इसमें, सो ये मान लो कि फ्लैट ही आ जाता है। पीछे आपको ये मैप पॉकेट मिल जाएगा दोनों साइड पे, और इसमें आपको ये ड्यूल दिया गया, मतलब ऊपर की साइड आप कोई छोटी सी केबल फ़ोन या अपना चार्जर वगैरह भी रखना चाहते हो तो वो इसमें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दिया है। जो फुल विंडो की साइड की ओपनिंग है रेक्टेंगुलर शेप है, और ये काफ़ी प्यारी लगती है देखने में। एंड फ्रंट का लुक ये कुछ इसका आ गया, तो आई होप ये वाला जो लुक है आपको नया फेसलिफ्ट का
एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर जो उसका कैबिन का व्यू आपको मिल रहा है ये काफ़ी बढ़िया आपको देखने में लग रहा होगा। तो डू कमेंट बिलो, मेरे को बताओ कैसा आपको इसका लुक लगा और क्या आप इंटरेस्टेड हो इसको लेने में और कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपको वेरिएंट इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये HT-X है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं और आप वेरिएंट्स देखना चाहते हो और डीजल वेरिएंट भी आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी इसकी और भी वीडियोज़ लेके आऊँ। और इसकी एक ड्राइव रिव्यू भी रहने वाला है। सो मोस्ट प्रोबेबली पहले हम एक डीजल इंजन ट्राई करेंगे, उसको चलाएंगे, देखेंगे क्या परफॉर्मेंस कैसा रहता है उसका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। Fearless.